अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा जो आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है और टीचर्स इसके ऊपर आर्बिट्री रूल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो मुद्दा यह है कि मेरे पास कुछ लड़कियां आई हुई थीं जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हो रहा है कि कॉलेजेस में उनके नकाब को उतरवाया जा रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर टाइम्स। वो कहते हैं कॉलेज में पहन कर आओ, चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लो, और लेक्चर्स में ना आपको नकाब पहन कर बैठना है, ना आपको लैब में जाना है नकाब पहन कर, और एग्ज़ाम्स टाइम में तो आपको नकाब पहनना ही नहीं है। इस तरह की कुछ डिमांड्स कर रही हैं कॉलेजेस, तो इसी सिलसिले पर आज मैं बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी उन बहनों से जो नकाब पहनती हैं और जिनके नकाब को उतरवाया जा रहा है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो कवर करती है एसएससी और एचएससी के एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट करवाती है, इस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पास ऐसा कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस या उनका कोई भी सर्कुलर ऐसा नहीं है ड्रेस कोड के ऊपर कि वो इस तरह का ड्रेस कोड करें। इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने यह ऐसा कोई भी रूल जारी नहीं किया जिसमें आपको नकाब उतारना पड़े या नकाब उतार कर ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आप नकाब पहनकर एग्ज़ाम्स दे सकते हो। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटीज़ ने भी ऐसे कोई सर्कुलर्स जारी नहीं किए हैं। इंटरनेट खंगाल मारा, मैंने काफ़ी टीचर्स से बात की इस सिलसिले में, काफ़ी प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया, लेकिन हमारा अपना पर्सनल ये नज़रिया है कि हम अपने एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक ड्रेस कोड की तरह दें और उनका नकाब उतरवाएं। सो ये मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि मई 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा है कि आपको नकाब नहीं उतरवाना है, स्कार्फ भी पहनकर बैठ सकती हैं बच्चियां, और गाउन भी पहनकर बैठ सकती हैं। गाउन और स्कार्फ दोनों पहनना चाहे तो दोनों पहनकर बैठ सकती हैं। सो कोई भी कॉलेज अगर नकाब उतरवा रहा है तो ये आर्बिट्री रूल है उनका। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो उन बच्चों का, उन लड़कियों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 21 जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी कि उनके पर्सनल लिबर्टी को हार्म पहुंचा रहे हैं, और दूसरा अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 29 जो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ को डिफेंड करता है, इन दोनों ही आर्टिकल्स का, आर्टिकल नंबर 21 और 29 दोनों का ही वायलेशन किया जा रहा है, और ऊपर से कोर्ट का कंटेम्प्ट है ये, क्योंकि कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, केरला हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके डायरेक्शंस आ चुके हैं इस मैटर पर। काफ़ी केसेस हुए थे जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया कि आपको कोई ऐसा रूल नहीं बनाना है जिसमें माइनॉरिटीज़ के कल्चर का जो प्रोटेक्शन है उसको हार्म पहुँचे या पर्सनल लिबर्टी पर हार्म पहुँचे, जिसके अंदर यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ, नकाब तो बहुत ही छोटी बात है, कॉलेज वाले आपके इयररिंग्स और मेकअप को भी नहीं उतरवा सकते, उसके ऊपर भी जजमेंट आ चुका है। खैर, ये मुद्दा सिर्फ मुस्लिम लड़कियों का ही नहीं है, वो सिर्फ नकाब नहीं उतार रहे हैं, इसमें हमारी क्रिश्चियंस बहनें भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर क्रिश्चियंस बहनें जो स्कार्फ्स लगाती हैं तो उसको भी उतरवाया जा रहा है। तो मैं स्कूल अथॉरिटी से अब बात करना ये चाहता हूँ कि स्कूल अथॉरिटी ने ये काम नहीं करना चाहिए, कॉलेज ने ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस तरह से किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने का। प्री मेडिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, AIPMT AIIMS जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सुना है कि एग्ज़ाम्स देने गए लोगों के ओढ़नियों तक के उतरवा दिया गया, उनके स्कार्फ्स को उतरवा दिया गया, ये भी सरासर गलत है। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें लड़कियाँ अगर नकाब पहन कर आती हैं या क्रिश्चियन स्कार्फ्स पहन कर आते हैं तो कोई भी कॉलेज अथॉरिटी और कोई भी कॉलेज उसको रिमूव नहीं करवा सकते, उतरवा नहीं सकते। सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस होने के बाद भी अगर कॉलेज इस तरह से कर रहा तो ये टायरनी है कॉलेज की, जिसके खिलाफ मैं अपील करूंगा कि लड़कियों को चाहिए कि अपने लिए आवाज़ उठाएं। ये आपकी जंग नहीं है, ये आपके आने वाली बाद की नस्लों के लिए जंग है, आप इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं। और मैं बताता हूं इसके खिलाफ आप कहां कहां पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। एक चीज़ और, कि अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और जो भी लैब्स वगैरह में आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि नकाब उतरवा लो। एक केस बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने जो आया था, उस बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस केस में कहा है कि कोई भी बंदी जो नकाब पहनती है और स्कार्फ्स पहनती है तो उसको ये अलाव किया जाए, प्रैक्टिकल रूम्स में भी अलाव किया जाए, उसके ऊपर वो एप्रोन पहन सकती हैं और अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकती हैं। सो
कहीं पर भी नंबर वन क्लास में या कॉलेज प्रिमाइसेस में या एग्ज़ाम टाइम में या प्रैक्टिकल्स में कहीं पर भी आप नकाब नहीं उतरवा सकते। ऐसा कोई भी रूल, कोई भी सर्कुलर या गवर्नमेंट जीआरएस इसके ऊपर नहीं आए हुए हैं। ये टायरनी है और कॉलेजेस की ज़बरदस्ती है। अगर ऐसा आपका कॉलेज कर रहा है, मेरे पास काफ़ी कॉलेजेस के नाम आए, मैं नाम तो नहीं ले सकता, छोटी सी वीडियो बनाना और काफ़ी कुछ है यहाँ पर मेरे पास मटेरियल, जो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पर्सनली भेज सकता हूँ। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इनकी कंप्लेंट, अगर आपका कॉलेज ऐसा कर रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, रेड्रेसल्स क्या क्या हैं उसके। सबसे पहले आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो माइनॉरिटी कमीशन में, माइनॉरिटी कमीशन आपका एक्सेप्ट करेगा, आपका कंप्लेंट वहाँ पर कीजिए। उसकी ऑफिस CST में है और हर एक स्टेट में उसकी ऑफिस होती है, सिटीज़ में उसकी ऑफिस होती है, आप उसके लिए फाइंड आउट करके वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो। ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी कंप्लेन कर सकते हो। हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके, आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा आपका तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना अगर पॉसिबल नहीं है तो आप माइनॉरिटी कमीशन या ह्यूमन राइट कमीशन के पास इसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए या आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मैं आपको एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 9588608836। और मैं एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम एक हाथ में मुसलमानों के एक हाथ में लैपटॉप देंगे, दूसरे हाथ में कुरान देंगे और एजुकेशन देके मुसलमानों को ऊपर लाने की, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। और मैं प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कॉलेजेस में मुसलमान लड़कियों की नकाब को, बुरखा को उतरवा कर मेन स्ट्रीम में जो लड़कियाँ आना चाहती हैं उनको कहीं ना कहीं पीछा किया जा रहा है। सो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ध्यान दीजिए। वैसे भी आप मुसलमानों के काफ़ी हमदर्द हैं वुमेंस में, सो आप इनके लिए भी हमदर्दी दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्ला, जय हिंद।